दोस्त मरते दम तक चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों को अपनी पत्नी को भूलकर भी यह चार बातें नहीं बतानी चाहिए। आप ये गलती कभी मत करना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में जीवन के तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन, तरक्की, विवाह, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार आदि से संबंधित समस्याओं का हल बताया है। चाणक्य के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अगर गलती से कोई पुरुष अपनी पत्नी को ये बातें बता देता है तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर एक, कमाई। चाणक्य कहते हैं अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि अगर महिलाओं को कमाई के बारे में पता चल जाए तो वह खर्च पर रोक लगाने लगती है। कई बार जरूरी खर्चों पर भी रोक लगा देती है। दोस्तों, नंबर दो, अपमान। चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी अपने अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती हैं, पुरुषों का जीना दुश्वार कर देती हैं। इसीलिए इसे भी गुप्त ही रखें। दोस्तों, नंबर तीन, कमजोरी। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी अपनी पत्नी को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि पत्नी को अगर पति की कमजोरी का पता चल जाए तो वह बात बात में उसी का हवाला देती है और अपनी जिद मनवा लेती है। इसीलिए पुरुषों को अपनी कमजोरी पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो इसका गलत फायदा उठा सकती है। दोस्तों, नंबर चार, अपने पुराने रिश्ते के बारे में पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि जब पत्नी को पुराने संबंधों का पता चल जाता है तो वह आपसे रिश्ता तोड़ सकती है। जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपने किसी गैर महिला से शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बारे में अगर आपकी पत्नी को पता चल जाए तो आपका घर बार सब बर्बाद हो सकता है। रिश्तों में दरार आने लगती है। हमेशा इन बातों को गुप्त ही रखें। दोस्तों, नंबर पाँच, दान। चाणक्य कहते हैं कि दान देने के बाद इसका जिक्र कभी अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए। महिलाओं के बारे में माना जाता है कि बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को दान की बात याद दिलाकर भला बुरा कह सकती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।